बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के हम लेक्चर में डिस्कस ये करेंगे कि रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन सी इसकी टेक्निक्स हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेसिकली देर आर फोर पिलर्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस ये करेंगे कि रीडिंग स्किल्स क्या हैं, रीडिंग कहते किसको हैं, और ये जो प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व होता है उस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रीडिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी एक मेंटली प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी किस्म के साइन को डिकोड करते हैं या किसी भी टेक्स्ट को डिकोड करते हुए उससे उसकी मीनिंग की जनरेशन करते हैं। मतलब हम कहीं पे भी या कोई भी साइन देखते हैं, कोई सिंबल देखते हैं, किसी भी जगह पे कोई टेक्स्ट देखते हैं, तो उस टेक्स्ट को उसके मानी के हिसाब से देखते हुए हम उसके अंदर से जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं सेंसेस की, उसको हम रीडिंग कहते हैं। जैसे कि बुक रीड करना, किसी पिक्चर को रीड करना, फेस रीड करना, म्यूजिक को रीड करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनमें हम एक ही प्रोसेस देखते हैं, और वो प्रोसेस क्या है, दैट इज डिकोडिंग। इन डिकोडिंग प्रोसेस हम किसी भी साइन को देखकर, उसके एस्पेक्ट को देखकर, उसकी उसके यूजेस को देख के उसमें जो मानी की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, दैट इज रीडिंग। बेसिकली देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग। फर्स्ट वन इज डिकोडिंग, सेकेंड इज comprehension and third one is retention. Decoding refers to the process of translating a printed word into a sound. मतलब क्या है कि जब कभी भी हम decode करेंगे किसी भी concept को, तो उसका मानी ये होता है कि decoding में हम किसी भी printed word को देखते हैं और फिर उस word को हम sound की form में translate करते हैं। मतलब लिखी हुई चीज को प्रोनाउंस कर देना, उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हुए उसकी ट्रांसलेशन कर देना, दैट इज डिकोडिंग। और डिकोडिंग में जो स्किल्स यूज होती हैं, देयर आर टू। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन स्किल्स एंड सेकंड इज वर्ड अटैक स्किल। आइडेंटिफिकेशन स्किल्स वो वाली स्किल्स होती हैं कि जो हम चीजों के हिसाब से कुछ वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम कोई साइन देखते हैं ए का लिखा हुआ, तो हमारे हिसाब से उसकी साउंड की प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे किस जगह पे यूज होनी है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन स्किल। सेकंड इज वर्ड अटैक स्किल, कि एक ही तरह के वर्ड्स जो हैं वो बार बार रिपीट होना, एक सेंस में यूज हुए फिर उस सेंस में यूज करने के बाद सेम वर्ड्स जो हैं वो किसी दूसरे सेंस में यूज हो रहे हैं, तो ये वर्ड्स जो हैं, जो रिलेटेड वर्ड्स आ रहे हैं, इनके थ्रू भी हम डिकोडिंग कर सकते हैं। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज comprehension. Comprehension means level of understanding of a text or message. कि किसी भी मैसेज को या किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लेवल को comprehension करते हैं, समझना। This understanding comes from the interaction between the words that are written and how they trigger knowledge outside the text. मतलब क्या है इसका, कि comprehension का concept जो है, इसमें understanding level जो आती है वो basically एक interaction है। किस चीज की इंटरेक्शन, बेसिकली इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन वर्ड्स आर रिटन, कि वो लफ्ज जो लिखे हुए हैं जिनको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लफ्जों का इंटरेक्शन जो है उस मानी के साथ, उस कॉन्सेप्ट के साथ जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या उस नॉलेज के साथ जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन रिलाइज ऑन अ मास्टरी ऑफ डिकोडिंग। बेसिकली कंप्रीहेंशन जो हो वो होती भी उसी वक्त है जब हम चीज़ों को डिकोड करेंगे। अगर हम डिकोड ही नहीं करते, चीज़ों के डिकोडिंग प्रोसेस में इशू आता है, तो फिर हम इसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। अगर डिकोडिंग करने के साथ हम मानी के कॉन्सेप्ट को ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेशन के बाद आने वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज कंप्रीहेंशन। सेकेंड इज चिल्ड्रन हु स्ट्रगल टू डिकोड फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर व्हाट हैज बीन रेड। कि वो वाले बच्चे जो चीज़ों को डिकोड करने में जिनको इशू आता है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि चीज़ों को डिकोड कैसे करना है,
अगर डिकोडिंग में इशू आएगा, वो लफ्जों को ट्रांसलेट नहीं कर सकेंगे या उन वर्ड्स की उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकेंगे, या फिर उनको ट्रांसलेट करने में कोई इशू आ रहा है, तो जितनी ज़्यादा इशूज़ जो हैं वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आएंगे, उतने ही ज़्यादा इशूज़ जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग में आएंगे। क्योंकि किसी भी एक पर्सन की, किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की वर्ड्स की क्रिस्पिंग जो है वो एग्जॉस्ट कर जाती है जब उनकी मेंटल एनर्जी जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं आती। मतलब जब वर्ड्स मुश्किल लगते हैं या उनको समझ नहीं आती या उनके सामने ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं जिनकी कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, तो मेंटल एनर्जी जो है वो लूज होती है और उससे कॉम्प्रीहेंशन का प्रोसेस जो है वो वीक हो जाता है। दी थर्ड कॉन्सेप्ट इज रिटेंशन। बेसिकली द रिटेंशन इज द कंडीशन ऑफ रिटेनिंग, कीपिंग समथिंग, मेमोरी के। सबसे पहले हमने देखा डिकोडिंग, सेकंड देखा कॉम्प्रीहेंशन एंड थर्ड इज रिटेंशन। कॉम्प्रीहेंशन से पहले जो डिकोडिंग हमने डिस्कस किया, डिकोडिंग में हम वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, कॉम्प्रीहेंड में हम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और रिटेंशन में वही अंडरस्टैंडिंग की हुई चीज़ों को हम रिटेन करते हैं, कीप करते हैं, अपनी मेमोरी में सेव करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अटेंशन, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आइदर वी हैव टू कीप दिस टाइप ऑफ मेमोरी, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट टर्म मीनिंग्स आर लॉन्ग टर्म मीनिंग्स। ये हम पे डिपेंड करेगा कि हमने उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है। ये डिपेंड कैसे करेगा, ये नहीं कि हमें साथ में कोई इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, बल्कि हमारी अटेंशन शो करवाती है कि हमने वो कितना ज़्यादा अटेंटिव होकर सुना, कितनी ज़्यादा तवज्जो के साथ हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग की, कितनी ज़्यादा हमें उसकी समझ आई, जितनी ज़्यादा चीज़ें वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, जितनी ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसका यूज़ ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें वो शॉर्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेंगी। जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते ही कुछ शॉर्ट टर्म टाइम के लिए है, तो वो मेमोरी जो है वो सेव भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही होती है। द एबिलिटी टू रिटेन विच रिलाइज हैविली ऑन द चाइल्ड्स डिकोडिंग प्रोफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज रेड। मतलब क्या है कि किसी भी एक इंसान को रिटेन करने की उसकी जो एबिलिटी है, चीज़ों को कीप करने की, चीज़ों को या उसकी अंडरस्टैंडिंग को सेव करने की मेमोरी जो है, ये डिपेंड करती है उस बच्चे के डिकोडिंग प्रोसेस पे, कि आया के उसने कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से डिकोड किया मानी को, कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से डिकोड किए हुए कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। जितनी ज़्यादा उसकी प्रोफिशिएंसी डिकोडिंग में होगी, जितनी ज़्यादा एबिलिटी उसकी कॉम्प्रीहेंशन में होगी, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। अगर कहीं पे एबिलिटी में समझने की सलाहियत में या फिर लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी में या उसकी डिकोडिंग की प्रोफिशिएंसी में डेफिशिएंसी आएगी, उतनी ही चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगी। आपके सामने एक पॉइंट टेबल शो हो रहा होगा, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रीडिंग एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि रीडिंग एबिलिटी डिपेंड्स ऑन देयर कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट वन इज डिकोडिंग, सेकंड इज कॉम्प्रीहेंशन एंड थर्ड वन इज रिटेनिंग। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी इन रीडिंग एबिलिटी, देयर शुड बी इन्फ्लुएंस ऑन देयर एक्विजिशन ऑफ रीडिंग एबिलिटी। मतलब अगर एबिलिटी में किसी भी किस्म की वीकनेस होगी, अगर उसकी डिकोडिंग में इशू आएगा, कॉम्प्रीहेंशन वीक हो जाएगी, कॉम्प्रीहेंशन की अंडरस्टैंडिंग उसे नहीं होगी, तो जाहिरी बात है रिटेंशन में इशू आएगा। तो इशू बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी ऑफ रीडिंग। अगर वो रीडिंग एबिलिटी जो है वो उसके कंपोनेंट्स में किसी भी एक जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो जाहिरी बात है उसका डिकोडिंग भी वीक होगा, उसका कॉम्प्रीहेंशन भी वीक होगा, और उसकी रिटेंशन भी वीक होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्टिंग इशू क्रिएट करेगा। इसके अलावा एनर्जी मेंटेनेंस के लिए उसको मसाइल काफ़ी डिस्टर्बेंस आएंगी। डिकोडिंग में अगर वो आइडेंटिफिकेशन या ट्रांसलेशन नहीं कर सकेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो फिर रिटेंशन नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो फिर ज़ाहरी बात है उसके जो फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। अगर कोई ना कोई इशू बनता है, तो ये कुछ फैक्टर्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रीडिंग एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे डिकोडिंग में इशू आता है, कॉम्प्रीहेंशन में इशू आता है, और रिटेंशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंसी, सेकंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज होम बैकग्राउंड,
नेक्स्ट इज टीचिंग स्ट्रेटजीज, मतलब वोकैबुलरी का इशू आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन का इशू आता है, कुछ लिटरेरी अप्रिसिएशन आती हैं या फिर स्टडी स्किल्स भी आती हैं, स्टडी स्किल्स लाइक स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। अगर कुछ एटीट्यूड का इशू है, आइदर इट डिपेंड्स ऑन देयर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स और पेयर्स, या फिर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन को आती हैं, मोटर ऑकुलर को डिस्क्रिमिनेशन आती हैं, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन आती हैं, लैंग्वेज की फैसिलिटी उसको फेस नहीं, लैंग्वेज की फैसिलिटी का इशू आ रहा है, कोई इंटरेस्ट का इशू आ रहा है, तो इनमें से कोई भी एक फैक्टर अगर डिकोडिंग वाले प्रोसेस पे अमल करेगा, कोई उसको वीक करेगा, तो जाहिर बात है डिकोडिंग वीक हो जाएगी, डिकोडिंग वीक होगी कॉम्प्रीहेंशन वीक होगा, कॉम्प्रीहेंशन वीक होगी रिटेंशन नहीं होगी, और अगर ये तीनों कंपोनेंट्स वीक होते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा रीडिंग एबिलिटी पर। ओके, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो रिक्वायर होती हैं जब कभी भी हम रीडिंग करेंगे, मतलब ये तीनों कंपोनेंट्स जिसको हमने रीडिंग का नाम दिया, रीडिंग एबिलिटी को गेन करने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, और वो रिक्वायर्ड स्किल्स कौन सी हैं, चार। सबसे पहली स्किल्स रिलेटेड टू आई मूवमेंट, सेकंड एबिलिटीज रिलेटेड टू विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड इज एसोसिएशन स्किल्स एंड फोर्थ वन इज इंटरप्रिटेशन स्किल्स। सबसे पहली स्किल जिसको हमने आई मूवमेंट का नाम दिया, दैट इज द ऑब्जर्वेशन स्किल। अगर हम चीज़ों की ऑब्जर्वेशन ही सही नहीं कर सकते, अगर चीज़ों को हम सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जाहिर बात है हमें रीडिंग करने के लिए सबसे पहले आई मूवमेंट ठीक करना पड़ेगा। सेकेंड इज विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, दिखने में जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन हैं, किसी भी चीज़ को देखना, मतलब हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं, इसको नहीं देखना चाहते, ये रीडिंग नहीं है। रीडिंग का मतलब है यू हैव टू फोकस ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड डिटरमिन व्हाट इज द मीनिंग हिडन इन दैट टाइप ऑफ टेक्स्ट। आपने डिकोड करना है उस टेक्स्ट के अंदर कौन सी चीजें हिडन हैं, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वीक है। आपने विजुअल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, मतलब जिस चीज पे फोकस करना है उस पर फोकस करें, जिस चीज पे फोकस नहीं करना उसको इग्नोर करें। थर्ड इज एसोसिएशन स्किल्स, कि आपने उसको एसोसिएट कैसे किया, मतलब जिन वर्ड्स को देखा, जिनको प्रोड्यूस किया, जिनके मानी की प्रोडक्शन की, उस प्रोड्यूस किए हुए मानी को आप जब किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट करेंगे तो किस किस्म के मानी की अंडरस्टैंडिंग होगी, दैट इज एसोसिएशन स्किल। एंड फोर्थ इज इंटरप्रिटेशन स्किल्स, आपने उसको इंटरप्रेट कैसे किया, आपने उसके मानी को इंटरप्रेट कैसे कर दिया, एसोसिएशन करने के बाद जब आपने उसके मानी को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके इमेजेस को, आपने उन आइडियाज को इंटरप्रेट किया, तो ये इंटरप्रिटेशन स्किल्स भी जरूरी है। जी बेटा, ये आपका हाफ लेक्चर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्टेजेस की तरफ डिस्कस करेंगे। अगर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।